अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फायज़ा फूड रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मटन या चिकन के समोसे नहीं बल्कि आलू मटर की बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए इस शानदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए हमने आधा कप मटर को 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर हमने लिया है 2 आलू। तो आलू को हमने अच्छी तरह से मसल मसल के वाश कर लिया है। लेंगे एक कुकर और इसमें हम मटर डाल देते हैं, भीगे हुआ मटर। अब हम इसमें आलू को हाफ कट करके डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आलू को हमने हाफ कट कर लिया है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हम पानी इतना ले रहे हैं कि मटर के लेवल तक पानी आ जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून नमक, और इसी के साथ हम इसमें 2 पिंच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तो हल्दी पाउडर हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस हल्का सा कलर इसमें आ जाए। और अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। 4 सीटी हम मीडियम फ्लेम पर दिला लेते हैं। 4 सीटी हमने मीडियम फ्लेम पर दिला लिया है, और इसका प्रेशर हमने खुद से रिलीज़ होने दिया है। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं। देखें, आलू मटर दोनों गले कि नहीं। तो यहाँ पे आलू अच्छी तरह से गल चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं, मटर से अलग कर लेते हैं। तो आलू को हमने अलग कर लिया है, इसे साइड में रख देते हैं। और आप देख सकते हैं मटर में थोड़ा सा पानी है, तो इसे अब हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। मटर ड्राई हो चुका है, तो इसे अब हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मटर को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है, और आलू को हमने मैश कर लिया है। तो यहाँ पर आलू को हमने मोटा मोटा मैश किया है, बहुत ज़्यादा बारीक मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कढ़ाई है, इसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से कट कर लिया है, इसे हम ऑयल में डाल देंगे। तो प्याज को हमें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट, और अदरक लहसुन पेस्ट को 2 मिनट तक प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे। तो अदरक लहसुन पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 पिंच हल्दी, इसे भी हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल देते हैं। इसी के साथ हम इसमें बॉईल किया हुआ मटर ऐड कर देंगे। मटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मटर को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मटर को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया है, बस इतना गलाया है कि इसे हम आसानी के साथ इस तरीके से दबाएं, प्रेस करें तो ये टूट जाए। मैश नहीं करना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ मैश किया हुआ आलू। तो इसी के साथ हमें कुछ और मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून धनिया और 1/2 टीस्पून जीरा को हल्का सा रोस्ट करके क्रश करके ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून चिल्ली फ्लेक ऐड कर देते हैं, और 1/2 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है, और लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक वगैरह टेस्ट कर लें, अगर नमक आपको कम लगे तो और ऐड कर दें। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो हमारी समोसे की फिलिंग ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, मुट्ठी भर धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। तो समोसे की फिलिंग रेडी है, तो इसे अब हम समोसा पट्टी में फिल कर लेते हैं। तो समोसा पट्टी हमारी होममेड समोसा पट्टी है, इसको हमने घर पे बनाया है। बहुत ही खस्ता और करारी ये समोसा पट्टी है। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यहाँ तो मैदे और पानी का घोल हमने तैयार कर लिया है। तो समोसे को सील करने के लिए हमने 2 टीस्पून मैदे में पानी डाल करके इसकी सैलरी बना लिया है। तो अब हम समोसे में मिक्सर को भर देते हैं। तो इस तरीके से हम भर रहे हैं, देखिए किस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है। इसमें हम मिक्सर डाल देंगे, फिर इसे हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। फिर इधर हम सैलरी लगा देंगे जो हमने मैदे से बनाया है। फिर इसे हम चिपका देंगे अच्छी तरह से, ताकि ये फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं।
तो देखिए तैयार है ये। इसी तरीके से बाकी समोसे भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक बार हमारे तरीके से आलू मटर के समोसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों को भी पसंद आएंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगे। तो सभी समोसे हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं, तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है, तो ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम किया है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे गरम नहीं करना है। एक एक करके समोसे हम इसमें डाल देंगे। तो समोसे को हम एक साइड से 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम साइड चेंज कर लेंगे और दोनों साइड से अलग पलट के इसे हम गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्प हो जाए। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छी तरह से सुनहरा हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो आप सुन सकते हैं कितना खस्ता करारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। इसे हमने सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये समोसे बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कराएं, और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।